जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी डबल SSR MR तीनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और गाइस, जो कि आपका मॉक टेस्ट यानी जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को हो सकता है कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इंडियन नेवी डबल ए का और SSR का और MR का। जो कैंडिडेट्स पहले एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो उनको पता ही है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर इंडियन नेवी ने ऑफिशियल जो वेबसाइट का मतलब यहाँ पे एक जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपको है मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, वहाँ पर आ जाइएगा। वहाँ पे नीचे दिया गया प्रैक्टिस टेस्ट लिंक फॉर SSR, इसी तरीके से MR का है। MR का जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे एक देखेगा मोबाइल में, जब आपको ओपन करें तो ओके, या मतलब आपको परमिशन देना है, इसको ओके कर देना है। देन उसके बाद में एक नया पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे स्टार्ट द एग्जाम, तो इस पर अपन को क्लिक कर देना है स्टार्ट द एग्जाम पे, और नया पेज ओपन होगा। इसके बाद में गाइस, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपके पास यूज़र नेम है यहाँ पर दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, और पासवर्ड है वो आपको दिया गया है। फिर यदि आपको सही तरीके से ये फिलअप कर देना है और यहाँ पे सबमिट करना है, सेम का सेम वही प्रोसेस है जो आपको एग्जामिनेशन में करना है। फिर गाइस, यहाँ पे प्रूफ के मतलब दिखाने के लिए किया गया है यहाँ पर कि ये आप जो टेस्ट दे रहे हैं आपका मतलब सब कुछ सही है ना, बिल्कुल। तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो आप जो लैंग्वेज है वगैरह एकदम सही तरीके से सिलेक्ट कर लिए हैं, तो इसको आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपन ओके पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे जो आपका लिखा गया, ठीक है, ये लिखा गया, देखिएगा डेमो दिया गया है। डेमो के लिए यहाँ पर आप जो भी मतलब क्या है ईच सेक्शन, जो प्रत्येक सेक्शन के अंदर आपको क्वालिफाइड करना होगा, इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क रखा जाएगा जो कि इंडियन नेवी जारी करेगा। इस मतलब बेंच, लास्ट बेंच की बात करूँ तो दो आपका मार्क्स था जो कि प्रत्येक नंबर में मतलब प्रत्येक सेक्शन में लाना मतलब जो लाया था तो उसको मतलब सेक्शन क्वालिफाइड कर पाया था। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यदि 4 क्वेश्चन आपके गलत होते तो 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्देश दिए गए वो आप पढ़ लीजिएगा गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेक्शन कट ऑफ रहती है वो इंडियन नेवी जारी करती है दोस्तों, जो आपके क्वालिफाइड बच्चे कितने हैं और सीट कितनी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव एग्री मतलब मैंने सभी कुछ पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पे इससे सहमत हूँ, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, बहुत ही बड़ा अपडेट आपके लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिए टाइमिंग स्टार्ट होगा इधर से, ठीक है। और यहाँ से आपके देखिएगा, ये आपके लिए इस तरीके का पेज वहाँ पर खुलेगा, और इसके मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको पता चलेगा काउंट डाउन होगा इसमें टाइमिंग। और यहाँ पर जो क्वेश्चन करोगे ना आप, यदि आपने क्वेश्चन राइट कर लिया है तो आपको यहाँ पर निर्देश मिलेगा, यहाँ पर दिया गया, देखिए हरा कलर का होगा जब आपने अटेम्प्ट कर दिया यानी उसका आंसर दे दिया है। और आपने यदि उसमें आप कन्फ्यूजन वाले हैं तो आप टैग कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो तब ये येलो कलर का हो जाएगा। और टैग्ड, और आपने टैग भी किया है और आपने अटेम्प्ट भी किया है, कन्फ्यूजन है कि अपन इसका आंसर चेंज कर सकते हैं बाद में समय मिला, तो इससे आप टैग दे सकते हैं ब्लू कलर का, ठीक है। और आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो इस तरीके से व्हाइट रहेगा जैसे यहाँ पे। और आप आंसर बदलना चाहो यहाँ से, तो क्वेश्चन को यहाँ से आप मतलब इस पर जैसे इसमें ये सेलेक्ट किया ना ऑप्शन, तो इसको इस बटन को दबाते हैं ना, ये इसका ऑप्शन है हट जाएगा। और यदि टैग करना चाहेंगे तो इस बटन को दबा देंगे कि ये टैग किया हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और काउंट डाउन हो रहा है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर है। तो गाइज, इस तरीके से आप अपना दे सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, जो कि यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट अपन जा सकते हैं इस पर क्लिक करके, कोई दिक्कत नहीं होती है। उस विंडो के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें अपन मैंने ये मतलब केरला फिलअप कर दिया, ठीक है, गोवा फिलअप कर दिया। जैसे अब अपन को टैग करना है ना, तो अपन टैग कर सकते हैं, देखिएगा टैग हो जाएगा, ये येलो कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा येलो कलर, ठीक है। और मैं इसको डी टैग कर दूंगा यहाँ से, मतलब टैग हटा दिया इसका। और अभी मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, और इसको यदि हम इरेज करना चाहें तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे इससे ऑप्शन से क्लिक करके इरेज हो गया है, ठीक है। और अपन इसका आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो अटेम्प्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, देखिएगा अभी तक यहाँ पे ग्रीन नहीं आया है, मैंने ये दोनों बता दिए आपको। और देखिएगा इसका आंसर देकर भी हम यदि इसको टैग करना चाहेंगे ना, ये देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन कर लिया है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके जाना है, और इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, और इधर आपका समय दिखता रहेगा आपको स्क्रीन पे, और आपकी इमेज भी दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस है, आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन देना है, और आप प्रीवियस ईयर मतलब सबमिट भी करेंगे लास्ट के अंदर तो वो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से फॉलो करना है। आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। तो ये था।
तो दोस्तों इस प्रकार आप नेवी AA SSR और MR तीनों का सेम ही मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। और इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आपको मतलब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप समझ गए हैं, वैसे पहले दिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं ना उनको थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस बात का आप ध्यान कर लें। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट मिलेगी, ठीक है गाइस, 100 क्वेश्चन 60 मिनट मिलेगी और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, जो आपको करेक्ट आंसर आ रहे हैं वो ही एकदम सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपका स्कोरिंग है वो अच्छा कर पाए। और आपको प्रत्येक सेक्शन की है वो अलग अलग कट ऑफ रहेगी, उसके लिए इंडियन नेवी जारी करेगा कितने बच्चे किस स्टेट से क्वालिफाइड करने हैं और कितने उनकी मेरिट रखनी है, तो उसके मतलब ऑल इंडिया के ऊपर ही लगता है कट ऑफ। सेक्शन है वो सबका सेम रहेगा, AA का ऑल इंडिया पे कट ऑफ लगेगा और SSR का स्टेट वाइज लगेगा और MR का भी स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगा। तो ये था सब इंफॉर्मेशन, आपको अभी इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।